करते हैं। आज हम लोग पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, जो कि 62 नंबर प्रश्न। अब तक पूरी तरह से हमने पॉलिटी का कराया है और आपने उसको देखा भी होगा। और नेक्स्ट वीडियो अब आपको जो अपडेट हो जाएगा 8:30 बजे पर डे, उसी के हिसाब से आपको जो है अब डेली का वीडियो आपको मिल जाएगी, और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसके पीडीएफ आप डेली आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, इसी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं किस तरह के प्रश्न अभी और बचे हुए हैं। देखिए बेटा, ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 70, क्या कह रहा है कि नए परिसीमन 2008 में कौन सी नवीन संसदीय क्षेत्र बनाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, नए परिसीमन 2008 में जो है, तो उस समय कौन संसदीय क्षेत्र बनाए गए थे नए में, तो उस समय पर एग्जाम में महत्वपूर्ण रहा होगा, तो उसका देख करके अगर हम बात करें तो इसमें से सही आंसर क्या हो सकता है 70 नंबर प्रश्न से हम देखें, तो इसका सही आंसर है भैया सा नंबर है, आउबा दोनों, इसका मतलब देवास और रतलाम। क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्सीमन के पश्चात दो नए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र देवास और रतलाम अस्तित्व में आए थे, जबकि शाजापुर व सिवनी का वजूद अब समाप्त हो गया था। तो सिवनी और किसका किसका, शाजापुर और सिवनी का। जी हाँ दोस्तों, शाजापुर और सिवनी के खत्म हो गया था, और शाजापुर और सिवनी के बाद कौन आए थे, तो देवास और रतलाम आए थे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, इसी को आगे बढ़ाते हैं फटाफट। आप देखिए, चलिए 71 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए फटाफट 71 नंबर प्रश्न हमारा क्या चर्चा में है। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव क्षेत्र 2013 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। 81.34% या 55.77% या 72.52% या 77.53%। जो 2013 में, तो उस समय पे जो हुआ रहा होगा बेटा, ये तो महत्वपूर्ण नहीं है, मैं आपको बता दूं, बहुत पुराना प्रश्न है ये, लेकिन ये जहाँ उसमें आया था पेपर में, इसलिए मैंने प्रैक्टिस में ये फंस गया है, तो ये भी उस समय पर 72.52% है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन आप न्यूनतम, सबसे न्यूनतम मतदान अलीराजपुर में है, और सबसे अधिक मतदान छिंदवाड़ा में हुआ, उस समय पर हुआ था, और कुल जो है 72.2% है। ठीक है, नेक्स्ट है 72 नंबर प्रश्न है, ये भी आप लोग देख सकते हैं, विधानसभा चुनाव 2013 में सर्वाधिक मतों जीतने वाले प्रत्याशी, तो उस समय 2013 में रहा होगा जो है ना, तो उस समय पर शिवराज सिंह चौहान जी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा हेतु आचरण समिति का गठन कब किया गया, ये महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश विधानसभा हेतु आचरण समिति का गठन कब किया गया, 73 नंबर प्रश्न है, बताइए जल्दी से, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अगस्त 2015 में जो है आचरण समिति का गठन किया, तो आचरण समिति उस समय पर हुआ था, इसलिए उस समय क्वेश्चन आया, लेकिन अब पीछे पुराना क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है, क्योंकि उस समय आचरण समिति बनी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण पर नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम कब बना। देखिए धर्म नियंत्रण, जब वो धर्मांतरण बहुत हुआ था उसको नियंत्रण के लिए धर्म स्वतंत्र अधिनियम कब बना था, 74 नंबर कब बना है जल्दी बताइए, तो 1968 में बना है। जी हाँ दोस्तों, धर्म स्वतंत्र अधिनियम जो है 1968 में बना है। 1968 की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ, धर्मांतरण के कारण ये सारी समस्या हुई है, क्योंकि भारत सरकार धर्मांतरण को रोकने के लिए, इस नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश धर्म नियंत्रण अधिनियम 1968 में पास किया था, इसे और अधिक कठोर बनाने के लिए हाल ही में संशोधन किया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम, जी हाँ मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968 में संशोधन कब किया गया, तो 2003 में कि 2004 में कि 2005 में कि 2006 में, किस में किया गया है, जल्दी जल्दी आप आंसर बताएंगे, तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा सर 2006 में, 1968 में संशोधन हुआ था, क्योंकि धर्म स्वतंत्र अधिनियम में 2006 में जाकर फिर संशोधन हुआ था। 75 नंबर प्रश्न है, धर्म तो मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968 में संशोधन, वही है रिपीटेड क्वेश्चन है। 76 नंबर है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो देखिए इन ऑप्शन में देखा जाए तो विधान परिषद किस में नहीं है, तो इनमें देखा जाए तो विधान परिषद मध्य प्रदेश में नहीं है। 76 नंबर प्रश्न है, इसमें किस में नहीं है बेटा, तो आपका आंसर मध्य प्रदेश होगा। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश है। इनमें से आंध्र प्रदेश वर्ष 2006 में विद्यमान परिषद का गठन किया है, जबकि मध्य प्रदेश विद्यमान परिषद का गठन नहीं किया है। 77 नंबर प्रश्न की अगर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, तो मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा किस तिथि को लोक सेवा गारंटी विधेयक पारित किया गया, मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा किस तिथि को लोक सेवा गारंटी विधेयक पारित किया गया है, 77 नंबर प्रश्न है, तो जल्दी से बताएंगे, तो आपका आंसर है बेटा 30 जुलाई 2010। ठीक है, 30 जुलाई 2010 है।
मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा 30 जुलाई 2010 को लोक सेवा गारंटी विधेयक पारित किया गया है। इसके तहत प्रारंभ में 9 विभागों के 26 सेवाएं शामिल भी की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है 78 नंबर प्रश्न है, बताइए जल्दी फटाफट। 78 नंबर, मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू जी कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री तथा बाद में गृह मंत्री बना? तो 78 नंबर, मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा नेता जो नेहरू के कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री था बाद में गृह मंत्री बना है और वो मध्य प्रदेश से संबंध करता है, इसलिए प्रश्न थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका सही आंसर कैलाश नाथ काटजू। जी हाँ दोस्तों, कैलाश नाथ काटजू है। मध्य प्रदेश के कैलाश नाथ काटजू भारत के स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट रक्षा मंत्री तथा गृह मंत्री के रूप में देश की सेवा कर चुके हैं। वे आजाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे की जाँच हेतु गठित की गई समिति के सभी भी सदस्य रहे। वे सन 1957 से 1962 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, कैलाश नाथ काटजू। अच्छा, 79 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता कौन है? मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता इन ऑप्शन में देखा जाए तो कौन है? तो जमुना देवी। जी हाँ दोस्तों, जमुना देवी है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की तत्कालीन वरिष्ठ विधायक जमुना देवी 12वीं विधानसभा उस समय रही होगी, लेकिन 13वीं विधानसभा विपक्ष के नेता भी इन्हें चुना गया है। तो इसी तरह लगातार है प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष राज्यपाल ने इसे नियुक्त किया और इस तरह से जमुना देवी उस समय प्रश्न था। 80 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? तो इस ऑप्शन में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा कौन रहे, तो आपका इसमें ऑप्शन है दिग्विजय सिंह। जी हाँ दोस्तों, आए इन ऑप्शन में देखा जाए तो कौन है ये? पंडित रविशंकर, अर्जुन सिंह, कैलाश नाथ काटजू या दिग्विजय सिंह। तो प्रश्न में जो मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल है पंडित रविशंकर शुक्ल की अगर हम बात करें तो इनमें से जो है दिग्विजय सिंह सबसे ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि देखो पंडित रविशंकर शुक्ल जो है 1956 से शुरू हुई और 31/12/1956 तक ये फिर नहीं हुए। इसके बाद है कैलाश नाथ काटजू आ गए, फिर अर्जुन सिंह आए हैं जो कि 1980 से 1985 तक थे, दिग्विजय सिंह जो है 1993 से 2003 तक रहे। तो इस प्रकार दिग्विजय सर्वाधिक 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड है, लेकिन अब जो है जिनके पास है हमारे मुख्यमंत्री जी को इस समय मतलब शिवराज सिंह चौहान जी के। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है बेटा वो दिग्विजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मैं कौन सा दल ना तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है ना ही प्रदेश के राज्य के लिए मान्यता प्राप्त है? तो इस ऑप्शन में देखा जाए तो कौन ऐसा है? तो भैया तो इसका ऑप्शन है भैया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। देखिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 7 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई, इनमें से बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी शामिल है, जबकि समाजवादी पार्टी एक राज्य स्तरीय पार्टी है, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ऐसी पार्टी है जिसे न तो राष्ट्रीय दल की मान्यता है और न ही मध्य प्रदेश राज्य के लिए मान्यता प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है 82 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहा? देखो प्रकाश चंद्र सेठी, गोविंद रनाडे, वीसी शुक्ला, डीपी मिश्रा। तो इनमें से जो ऑप्शन है आप लोग अगर मुख्यमंत्री पढ़े होंगे तो इन ऑप्शन में से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वीसी शुक्ला। जी हाँ, नेक्स्ट अपन देखें तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा के पश्चात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? इसके बाद मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो देखिए वीरेंद्र कुमार सकलेचा 18 जनवरी 1978 से 19 जनवरी 1980 तक जो मुख्यमंत्री थे, इनके बाद 20 जनवरी 1980 से 17 फरवरी तक सुंदरलाल पटवा रहे। ठीक है, तो सुंदरलाल पटवा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 84 नंबर प्रश्न है, कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे? मध्य प्रदेश के इनमें से कौन है सर? देखो राज्यपाल की भी आपको याद करना पड़ेगा इसका मतलब। तो श्री गोविंद रनाडे जो है, नारायण सिंह जो है, ये जो है राज्यपाल नहीं थे, बाकी सब थे। केसी रेड्डी भी थे, श्रीमती सरला अग्रवाल, एचबी सिपाटस्कर, ये भी है जिनको पढ़े हैं आपने, इसको नहीं पढ़ा तो देखिए उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा भैया। इस तरह का एग्जाम भी आने को एग्जाम में आते हैं। मध्य प्रदेश में जिला सरकार के अधिकार किसके किसको दिए गए हैं? तो मध्य प्रदेश जिला सरकार का अधिकार किसको दिए गए हैं? तो इन ऑप्शन में देखा जाए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे जिला समिति को ही दिया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश जिला सरकार का अधिकार जिला योजना समिति को ही दिया जाता है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन 1999 में मध्य प्रदेश में जिला सरकार की स्थापना इस तारीख को हुई, किस तारीख को हुई जिला सरकार की स्थापना? तो ये 1999 में हुई थी, तो किस तारीख को हुई? तो 1 अप्रैल को हुई थी, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1999 को। ठीक है, 1999 को। अगला क्वेश्चन है भैया, वर्तमान में मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में श्रीमती नाजमा हेपतुल्ला, एजवी अम्बालोगी, श्री सोमनाथ चटर्जी, ईश्वर दास रोहड़ी। 87 नंबर प्रश्न है, जल्दी जल्दी आप आंसर दे सकते हैं। तो ईश्वर दास रोहड़ी। देखो बेटा अभी इसमें बहुत पीछे का है, ये रिलेटेड है और इसके नए रिलेटेड फॉर्म को मैं अब लेके आऊँगा,
ये बहुत पुराना ओल्ड पेपर था, उसको मैंने लेकर आया। अब हम जो है न्यू 2014 के ऊपर वाले प्रश्न को अब हम लगातार पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, और आप देखने देखिए और इसको शेयर करिए, आपको लगभग 8:30 बजे डेली का जो है ये वीडियो प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू, टेक केयर।